नमस्कार, इजी होम टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष चौहान, आप सब लोग कैसे हैं? आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे चावल और आलू से बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही स्वादिष्ट स्नैक्स। बनने में भी आसान है, घर में सामान आपको मिल जाएगा, बाज़ार से नहीं लाना पड़ेगा। चावल और आलू सभी के घर में होते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं हमने स्वादिष्ट से क्रिस्पी से स्नैक्स को कैसे बनाया है। पे मैंने लिया है 1 कप चावल। चावल आप कोई भी ले सकते हैं। चावल को मैंने धो लिया है और पानी इसका बिल्कुल निकल गया है और इसको हम बारीक पीस लेंगे। भिगोया नहीं है, केवल धोया है, ध्यान रखिएगा। और धो करके मैंने इसको थोड़ी देर रख दिया तो वो सूख गया और सूखने के बाद हम इसको पीस लेंगे। बारीक पीस लेना। अब मेरी मिक्सी सुजाता की है, काफ़ी बारीक अच्छा पीस देती है। अगर आपको लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में है इसका लिंक, आप ले सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब 1 कप चावल लिया था तो 1 कप हमने डाला है पानी, उसके बाद डाला है नमक और डाली है काली मिर्च और ये है साबुत जीरा और ये है हरी मिर्च और अदरक, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3-4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। ये डाल रही हूँ कसूरी मेथी, इसकी जगह आप हरा धनिया डाल सकते हैं। अब पानी हमारा जब हल्का सा गर्म हो जाएगा उसके बाद ही हम पीसे हुए चावल डाल देंगे, जो हमने चावल पीसे हैं, और फ्लेम को लो रखेंगे। अब जो चावल पीसे थे हमने वो डाल दिए और फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। ये जो रेसिपी है चावल के आटे से भी बना सकते हैं आप। अगर चावल आपको नहीं पीसना है तो चावल के आटे से भी बना सकते हैं, चावल के आटे से भी बन जाएगी। लो फ्लेम रख किया हुआ है और अब मैंने डाला है इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल। इसको काफ़ी, जब ये बिल्कुल टाइट सा हो जाएगा तब तक हम पकाएंगे इसको। ये देखिए काफ़ी टाइट हो गया है, बस गैस को कर देंगे बंद और थोड़ा ठंडा होने के बाद अब हम इसमें मिलाएंगे आलू। तो ये 4 आलू हैं मीडियम साइज़ के, उबले हुए, उनको मैंने ग्रेट कर लिया है। इसमें प्याज आप ऐड करना चाहें तो प्याज भी डाल सकते हैं। ये देखिए चिकना सा हमारा डो बनकर तैयार है और अब हम इसको दे देंगे शेप। चौकोर शेप दी है मैंने, आप कोई भी शेप दे सकते हैं। आलू और चावल बहुत ही अच्छा बाइंड होता है। हमने सभी शेप हैं वो बना के रख ली हैं। अब हम इसको करेंगे फ्राई। इसको आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं, जैसा मन हो वैसा आप कर सकते हैं। अब मैंने कढ़ाई में लिया है ऑयल। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है अभी और अब हम अपने स्नैक्स डाल देंगे फ्राई करने के लिए। इनको आप बना कर भी रख सकते हैं फ्रिज में और जब मन हो तब आप फ्राई करके खा सकते हैं। एक बार जब हमारे सभी स्नैक्स डल जाएंगे कढ़ाई में जितने आएंगे तब हम फ्लेम को कर देंगे मीडियम। अब मीडियम फ्लेम पर हम धीरे धीरे इनको फ्राई होने देंगे। हाई फ्लेम मत कीजिएगा नहीं तो अंदर से कच्चा रह जाएगा। मीडियम फ्लेम पर ही आपने फ्राई करना है और दोनों साइड से गोल्डन हो जाए इतना हमने इनको फ्राई करना है। ये देखिए ये प्यारा सा जब कलर आ जाए गोल्डन सा तब हम निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से। अब देखिए मैं बीच में से तोड़ के आपको दिखा रही हूं। ऊपर की लेयर बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से भी अच्छी तरह से पका हुआ, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में और बनाने में भी आसान है। बहुत ज़्यादा सामान हमें नहीं चाहिए और इसको स्नैक्स को पहले से बनाकर रख सकते हैं और जब मन हो तब आप फ्राई करके खा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।